नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुतराय एस एकेडमी में। आज का डेट है 26th of May 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स का मेनली सोर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज, जिसका मैं पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में जरूर से लगा दूंगा। आप वहां से डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं। रिगार्डिंग एडमिशन इन बहुतराय, एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द डेलीज नंबर्स या फिर यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट्स www.bahutrayasacademy.in। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ असम ट्रिब्यून से देख लेते हैं दोस्तों। वांगचुआ फेस्टिवल के रिलेटेड न्यूज़ में था। एक्चुअली सच कुछ एग्जॉस्टिवली इसके बारे में दिया नहीं हुआ था, बट हाँ इस ये पिक्चर जरूर मेंशन किया हुआ था जहाँ पर लिखा हुआ था पीपल आर टेकिंग पार्ट इन वांगचुआ फेस्टिवल इन कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो ओवरऑल इस फेस्टिवल के बारे में देखते हैं दैट किस रीजन में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है असम का। बेसिकली देखिए, असम के स्पेसिफिक एक ट्राइब है जिसको कहते हैं तीवा ट्राइब, राइट। तो इन तीवा ट्राइब्स के द्वारा ही इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कोई तो रीज़न होगा। जी हाँ दोस्तों, जिससे वो लोग जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं ना उसका हार्वेस्ट जिससे बहुत अच्छा हो, इसीलिए भगवान को एक काइंड ऑफ आप ट्रिब्यूट बोल सकते हो, ठीक है। जिसमें वो लोग अपने रिचुअल्स वेरियस रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जैसे कि आप ये एक रिचुअल्स देख पा रहे हो, राइट। गाना गाते हैं, डांस करते हैं, राइट। और ये सब सब कुछ जो करते हैं ना, ये अपने नेटिव अटायर्स जैसे देख रहे हो, ये ड्रेसेस, ये सारे तीवा ट्राइब के लोग जो है ना पर्टिकुलर ड्रेसेस पहने हुए हैं। तो ये प्रॉपर अपने अटायर को पहनते हुए ही यह वांगचुआ फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट इनके द्वारा किया जाता है। और सिर्फ असम में ही नहीं बल्कि मेघालय में भी किया जाता है, कुछ कुछ पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी जो है ना तीवा ट्राइब के लोग मिलते हैं, तो वो लोग भी बेसिकली यह चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। तीवा ट्राइब की अगर बात करें, असम में इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दिया गया है एंड दे आर द वन जो क्या प्रैक्टिस करते हैं झूम या फिर शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट असम ट्रिब्यून में यह लिया गया मई 28। जी हाँ दोस्तों, मई 28 को एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव होने वाला है और जिसका नाम है नदी कॉन्क्लेव, NADI कॉन्क्लेव, ठीक है। ये एशियन कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर कॉन्क्लेव होने वाला है जहां पर सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल टीम भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, जिसमें बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द चीफ गेस्ट और भी आपका जाके साउथ ईस्ट एशियन के नेशंस के कुछ कुछ कंट्रीज़ को भी बुलाया जा रहा है, राइट। अनडाउटेडली जब ये कॉन्फ्रेंस हो जाएगा तो बहुत सारे ऐसे आउटकम्स होंगे जो कि हम लोग देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो आज कितना है 26 और ये 28th और 29th को होने वाला है, ठीक है। तो तब तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे ही अगर कुछ आउटपुट आए, राइट। बट फॉर द टाइम बीइंग अगर देखा जाए तो ये नदी कॉन्क्लेव जो है एशियन कॉन्फ्लुएंस एक थिंक टैंक है, इनके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। नाउ ये थिंक टैंक जो है ये बेस्ड ऑन शिलोंग है और अनडाउटेडली ये कोलाबोरेट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, एक्ट ईस्ट पॉलिसी अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के साथ और भी डिफरेंट अदर पार्टनर्स है। बट मेन जो एपिसेंटर इस पूरे कॉन्क्लेव का रहने वाला है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और असम, जहां पर वेरियस सब रीजनल कॉरपोरेशन को फोकस की जाएगी दैट ओवरऑल बे ऑफ बंगाल के इर्द गिर्द जितने सारे कंट्रीज है जिसमें वेरियस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी आते हैं, राइट, उनसे कैसे माफ करना कोऑर्डिनेट किया जा सके। बांग्लादेश फाउंडेशन ऑफ रीजनल स्टडीज ये कंट्री पार्टनर होने वाला है हमारे देश में एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IIT गुवाहाटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, ये लोग भी जो है नॉलेज पार्टनर होने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ था रिगार्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो अभी मीट चल रहा है, वो उसमें बेसिकली स्ट्रेस दिया गया था दैट डोमेस्टिक सप्लाई चेन को कैसे हम लोग और भी ज़्यादा इन्हांस कर सके। नाउ ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बोला जा रहा है अगर हमारे देश को अगर एक्चुअली में आत्मनिर्भर बनना है ना, तो सिर्फ यही नहीं होना चाहिए दैट हमारे देश में ही प्रोडक्शन हो, ठीक है, हमारे देश में प्रोडक्शन तो होगा बट प्रोडक्शन के साथ साथ मेक श्योर करना पड़ेगा कंजम्पशन भी जो ना वो भी हमारे देश में ही हो, राइट। मतलब डिमांड को कहीं ना कहीं बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है, राइट। अनडाउटेडली कोई भी आत्मनिर्भर मतलब क्या, जो भी हम लोग डिफरेंट अदर देशों के ऊपर निर्भर करते हैं वो निर्भरता जिससे खत्म हो जाए, है ना। और इसमें देखो अदर देशों से हम लोग क्या किन किन चीज़ों में निर्भरता करते हैं, जैसे बहुत सारे जैसे अब चाइना में ले लो, राइट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर हम लोग का बहुत ज़्यादा निर्भरता है। आप इंपोर्ट देख लीजिए चाइना से, बहुत ही ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो हम लोग क्या उसको नहीं घटा सकते हैं, एब्सोल्युटली घटा सकते हैं। इसके लिए हमें सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए होंगे, राइट। तो उन चीज़ों का प्रोडक्शन हमें लोकली करने की बात की जा रही है, राइट। और देखो अनडाउटेडली वो सब चीज़ें इंडिया में ज़रूर हो सकती है, बट ठीक है रॉ मटेरियल कौन देगा, चाइना के पास ही तो मेजर अर्थ यू नो मटेरियल बहुत ज़्यादा है, मतलब प्रोपोर्शन में ओवरऑल जितने भी रिसोर्सेज देख लीजिए चाइना में भरमार पड़ा हुआ है, तो क्यों ना हम लोग उस रिसोर्सेज को इंपोर्ट करें, रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करें और अल्टीमेटली इंडिया में उसको मैन्युफैक्चर करें,
ठीक है, तो वही चीज बोला जा रहा है, अगर इंडिया को डियर आत्मनिर्भर बनना है तो हमें एक्सेसिवली डिपेंडेंस जो बहुत सारे इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स में है, स्पेसिफिकली यहाँ पे चाइना को फोकस किया जा रहा है, उस पर हमें बहुत ही ज़्यादा निर्भरता को घटाना पड़ेगा और बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए इतना ज़्यादा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देना पड़ेगा जिससे जो लोकली ही चीज़ें जो कंज्यूम मतलब प्रोड्यूस हो रही है वो कंज्यूम भी हो जाए, राइट। और ये मेन जो रीज़न क्यों ये किया जा रहा है, क्योंकि अनडाउटेडली आपको पता है कोरोना वायरस के बाद जो है स्मॉल बिजनेसेस, स्पेसिफिकली वैसे बिजनेस जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, वो काफ़ी ज़्यादा उनको हार्ड हिट मिला है, राइट। तो इन सब चीज़ों को अगर फिर से हम लोग रिज्यूनेट करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। नाउ आत्मनिर्भर भारत अभियान के जो है 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स है, उनको भी हमें समझना पड़ेगा। एक पिलर है इकोनॉमी, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है सिस्टम, चौथा है डेमोक्रेसी और पांचवा है डिमांड। ना इस टाइप के देखो ये चीज़ मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ना, क्योंकि एक काम करना ना, चलो आज मैं इसका क्वेश्चन नहीं देता हूँ, है ना, आप इसी पर एक आंसर लिखने की कोशिश करना। इस आर्टिकल को आपने देख लिया ना, है ना, अब इस चीज़ को रिमाइंड करने की कोशिश करना दैट आत्मनिर्भर भारत अभियान के जो 5 पिलर्स इंपॉर्टेंट किस किस चीज़ों में लाई करता है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ, इसके लिए आपके लिए भी अच्छा होगा, राइट। इकोनॉमी पहला पिलर है, इकोनॉमी मतलब यह कंटेम्पलेट करता है नॉट एन इंक्रीमेंटल चेंज, मतलब देखो क्या होता है ना दैट हमारे देश में अगर इंक्रीमेंटल चेंज अगर चाहते हो, से फॉर एग्जांपल आज का हमारा इकोनॉमी है $3 ट्रिलियन का, ठीक है, तो कल इंक्रीमेंटल चेंज मतलब कल 3.5 हो, नेक्स्ट ईयर 4 हो, उससे नेक्स्ट ईयर 5 हो, उससे नेक्स्ट ईयर 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, वो हुआ इंक्रीमेंटल चेंज, राइट। तो इकोनॉमी मतलब आत्मनिर्भर अगर हमें बनना है तो इकोनॉमी में इंक्रीमेंटल चेंज नहीं होना चाहिए, रादर एक क्वांटम लीप हमें लेना पड़ेगा, दैट इज 3 ट्रिलियन से सीधा 5 ट्रिलियन जंप करो। और ये तभी पॉसिबल है ना जब इंडिया में प्रोडक्शन तो करो ही बट साथ ही साथ कंजम्पशन भी आप 100% इंडिया में इंश्योर करवा सको, ठीक है। तो एक तो पिलर यह हो गया, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कभी भी USA, दुबई, है ना, पेरिस, जब भी वो सब चीज़ें उनका वीडियो देखोगे ना, देखोगे कितना साफ सुथरा जाएगा भाई साहब, एकदम चिकना चिकना रोड है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। दुबई देखो एकदम बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स है, गगनचुंबी इमारतें हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या, अनडाउटेडली वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा फोकस किया गया है, तो वही चीज़ इंडिया में भी करना है। इंडिया का भी जो इमेज है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हमें आगे बढ़ाना है। और हम लोग क्या न्यूज़ में देखते हैं हर रोज़, अरे भाई गुवाहाटी में वहाँ पर वाटर लॉगिंग हो रहा है। तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोड्स नहीं, बल्कि प्रॉपर प्लानिंग एक्टिविटीज़ भी होना चाहिए जिससे बारिशों के दिन में कहीं पर वाटर लॉगिंग ना हो। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इन सब चीज़ों में आपको फोकस करनी पड़ेगी, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक खलकी टर्म है, इनके कॉनोटेशंस जो है वो आपको अपने तरीके से एनालाइज करने हैं। नेक्स्ट इज सिस्टम, अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है ना तो ये जो पूरा सिस्टम जो चल रहा है ना उसको आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर सिस्टम जिसमें लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस हो, वो हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे दैट बहुत समय ट्रैफिक सिग्नल्स में जो ट्रैफिक पुलिस होती है, इंडिया में तो होती है बट अब विदेशों में चले जाओ वहाँ पे आपको ट्रैफिक पुलिस ही नहीं मिलेगा, वहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ 3 बत्ती, एक लाल, एक पीला, एक हरा, ठीक है, वो लगा हुआ रहेगा। और वहाँ के लोग एकदम डिसेंट तरीके से सब कुछ ट्रैफिक रूल्स मानते हैं। अब देखो ये अभी हम बोल सकते हो दैट हाँ हमारे लोगों में शायद ज़्यादा ज़्यादा उस इस रिलेटेड जागरूकता नहीं है, ये सब चीज़ें ज़रूर बोला जा सकता है, बट मैं ये मेरी बोलने की आपको मंशा है दैट वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत तो नहीं होती है, सिर्फ ट्रैफिक लाइट के थ्रू ही सब कुछ लोग करते हैं। मतलब देखो जो सरकार का ट्रैफिक पुलिस को देना था पैसा वो बच जा रहा है सरकार के पास, है ना, लोग ट्रैफिक रूल भी मान रहे हैं, राइट। तो वैसा हमें सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। और इस टाइप के सिस्टम अगर क्रिएट करेंगे ना, सिर्फ ट्रैफिक में ही नहीं, सब सेक्टर में, गवर्नेंस के सेक्टर में डाल दो, है ना, तो ये चीज़ अगर करेंगे तो अनडाउटेडली जो रूल ऑफ लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा और एक सिस्टमैटिक मैनर में जो है हमारा देश चल सकता है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी। देखे बोध भाई, सोर्स ऑफ एनर्जी टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, अनडाउटेडली हमें कोई भी अगर गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस अगर सेटअप कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट शुड बी डेमोक्रेटिक इन नेचर सो दैट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द पीपल हैज़ अ वॉइस इन दैट रीजन, राइट। तभी देखो
अल्टीमेटली वही है ना, हमें इंश्योर करना पड़ेगा दैट डेवलपमेंट जो चल रही है वो इंक्लूसिव हो, जो क्या कोई एक पर्टिकुलर, अब सोचो आसाम में अगर सिर्फ और सिर्फ आप गुवाहाटी को ही फोकस करोगे और डिफरेंट अदर रीजन को आप फोकस, तिनसुकिया को फोकस नहीं कर रहे हो, कचर को फोकस नहीं कर रहे हो, दिमासा को फोकस नहीं करोगे, बोरपेटा को फोकस, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ठीक है, तो वैसा अगर करोगे तो वहाँ के लोग तो बोलेंगे ना, अरे भाई आप एक ही रीजन को डेवलप कर रहे हो, हमारे रीजन को क्यों नहीं डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ इंक्लूसिव हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सेटअप करने पड़ेंगे। अगर डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही है तभी हम इंश्योर कर सकते हैं दैट पूरा देश ऑन एन एवरेज जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर रीजन में डेवलपमेंट दैट इज नॉट सस्टेनेबल इन नेचर ना, बट वहीं पर अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके तो बहुत अच्छा होगा, राइट। जैसे एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो भद्रा ईएस अकेडमी, ये गुवाहाटी में भी है और यह जोरहाट में भी है, ठीक है। अब खुद सोचो अगर सिर्फ और सिर्फ गुवाहाटी में ही होता, ठीक है, तो क्या होता है ना दैट बाकी जो बेसिकली नदन असम के लोग जो है ये लोग बोलते हैं दैट क्या सर यहाँ पर नहीं आप सेटअप कर रहे हो, है ना, हम लोग को इतना दूर जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को हम लोग ये करने के लिए हम लोगों ने जोरहाट में भी सेंटर बनाया है। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है दैट हाँ गुवाहाटी में जो सेंटर है आजू बाजू के रीजन से ये सक कर रहे हैं लोग, ठीक है, मतलब आजू बाजू जो भी अगर जिनको भी सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना वो डायरेक्ट भद्रा ईएस अकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ से भी जोरहाट में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जो जोरहाट वाले लोग या फिर आप इधर वाले डिब्रूगढ़ के साइड के लोग भी देख लो, ठीक है। सो दे ऑल्सो डू प्रिफर टू विजिट दिस सेंटर रादर देन विजिटिंग दिस सेंटर, क्योंकि अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ द कंटेंट जो है वो तो सिमिलर मिल रहा है आपको, समझ रहे हो। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया दैट कोई भी चीज़ अगर आप डेवलप कर रहे हो आत्मनिर्भर के बन, अगर आप आत्मनिर्भर एक्चुअली में बनना चाहते हो तो इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी डेमोक्रेटिक, तभी हम बोल सकते हैं दैट इंडिया जो है लॉन्गर रन में सेल्फ रिलायंट होने वाला है, ठीक है। और फाइनल जो पिलर है दोस्तों यह है डिमांड, डिमांड मतलब हमारा डिमांड और सप्लाई को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। इससे क्या होगा ना दैट अगर प्रॉपर डिमांड साइड सोचो बहुत ज़्यादा हो गया, सप्लाई बहुत कम है, ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है डिमांड ज़्यादा होगा, तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा सप्लाई को भी बढ़ाए, है ना, तब डिमांड के साथ साथ तो सप्लाई भी बढ़नी चाहिए ना जी, ठीक है। तो इन साइड की चीज़ों को मिसमैच नहीं होने देना है, क्योंकि खुद सोचो आप कोई चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा है सप्लाई बहुत कम है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमें विदेशों से उस चीज़ को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो आत्मनिर्भर भारत का जो हम लोग बोल रहे हैं तो वो कहाँ गया, वो तो नलीफाई हो गया ना यहाँ पर, है ना। जब हम विदेश से अगर उस प्रोडक्ट को मंगा रहे हैं तो क्या फ़ायदा आत्मनिर्भर भारत का, है ना। तो आत्मनिर्भर अगर एक्चुअली में बनना है तो इंश्योर करना पड़ेगा ये डिमांड सप्लाई दोनों को हमें कंसर्न करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हम देश हमारी आत्मनिर्भर एक्चुअली में बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों द हिंदू से यह लिया गया है रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है विजिट करने वाले हैं चेन्नई, ठीक है आज, ठीक है। अब चेन्नई में विजिट करके ये क्या करेंगे, ये फाउंडेशन स्टोन रखने वाला है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में, है ना। यही नहीं चेन्नई पोर्ट का भी डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करेंगे, चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करने वाला है, ठीक है। तो ऑफकोर्स GS3 परस्पेक्टिव के इस वाले यू नो सिलेबस के पॉइंट्स आप इसको बिल्कुल रिलेट कर सकते हो, एज सच ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है दैट हाँ देखो ये तो नॉर्मल चीज़ें ही दी हुई रहती है, हाँ प्रधानमंत्री इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं फॉर 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स जो कि यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा और ये 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स क्या है ये है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, मेन जो चीज़ यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है वो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ये होता क्या है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, देखो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है मेक श्योर करता है 5 की फंक्शंस वहाँ पे प्रॉपर हो सके, ये भी लॉजिस्टिक पार्क ही है, ठीक है। बट मल्टी मॉडल इसलिए बोला गया है क्योंकि देखो यहाँ पे फ्रीट एग्रीगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अलग अलग सेक्टर को जो है ना एक ही जगह में एक ही ज्योग्राफिकल लोकेशन में कंसर्न करने की कोशिश की जाती है, जैसे फ्रीट का एग्रीगेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक ही जगह से होती है, मल्टी मॉडल फ्रीट ट्रांसपोर्ट वेदर दैट बी रिलेटेड टू द रेलवेज और रोडवेज और एयरपोर्ट्स, ठीक है। तो कनेक्टिविटी जिससे प्रॉपर हो सके, स्टोर हाउस वेयर हाउसिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग ये सबको प्रॉपर देखा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट उस रीजन में कैसा है, वैल्यू एडेड सर्विसेज कैसे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये अगर इतने सारे फैसिलिटीज़ अगर आप दे रहे हो तो दैट लोकेशन शुड बी स्ट्रैटेजिक इन नेचर, जी हाँ दोस्तों मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जहाँ पर भी बनते हैं ना वो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे बनाए जाते हैं, जिससे ओवरऑल जो कॉस्ट है लॉजिस्टिक्स का उसको प्रॉपरली रैशनलाइज किया जा सके मतलब जिससे सरकार को भी मुनाफा मिल सके और जो
कंपनीज वहां पर है उनको भी जो खर्चा है वो रिस्पेक्टिवली कम हो। इससे क्या होगा, अगर खर्चा कम आएगा तो दुनिया के मार्केट में जो है ना हमारा प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटिवनेस वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, एनीवेज नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटर स्क्रैप्स इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन क्रूड सनफ्लावर एंड सोयाबीन ऑयल। इसीलिए शायद कल आप लोगों ने सुना होगा दैट शेयर मार्केट जो है बहुत ज़्यादा क्रैश कर गई है विथ रिस्पेक्ट टू वैसे कंपनीज जो क्या इस सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, तो एनी वेज बहुत जन शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा आप लोगों को, चलो कोई बात नहीं है ना। ना देखो हुआ क्या है, मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका एक कंपनी है, ठीक है, आप कंपनी में तेल बना रहे थे और तेल का दाम तो आपको पता है कितना भाग रहा है ऊपर में, है ना। तो जब कोई भी प्रोडक्ट का दाम ऊपर भागेगा तो इसका मतलब क्या होता है बताइए, तो शायद उसका सप्लाई कम हो रहा है ना, और डिमांड बढ़ रहा है, तभी ना पैसा भी लोग देने के लिए राजी हैं, ठीक है ना, तभी ना उसका डिमांड बढ़ेगा जी। अच्छा, अब इंडिया में क्या हो रहा था, अभी आपको पता है ना दैट ये तेल का दाम कितना बढ़ रहा था, ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे ना। उसमें एक सरकार का पॉलिसी का रोल था, सरकार ने क्या किया था, अभी तक कोई भी अगर बाहर से तेल इंपोर्ट कर रहा है ना तो वहाँ पे ड्यूटी लगा देती थी सरकार। अब सोचो मेरी कंपनी है, ठीक है, मैं इंडिया में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, ऑफकोर्स आप इंपोर्ट कर रहे हो मेरे से, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 100 रुपये में आपको लीटर तेल का भेज रहा हूँ, ठीक है, बट सरकार यहाँ पर आपका जाके 50 रुपया टैक्स लगा दिया इसमें, ठीक है, ड्यूटी लगा दिया, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको 150 रुपये में बेचना पड़ेगा वो प्रोडक्ट, है ना, हो गया ना जी, दाम तो बढ़ गया ना। अब क्या बोली सरकार, देख रही है अरे यार कस्टमर को मतलब कंज्यूमर को तो लॉस हो रहा है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ये वाला ड्यूटी लगा दिया, चलो इस ड्यूटी को हटा देते हैं 50 रुपये वाला। अब 50 रुपये वाला ड्यूटी को अगर हटा देंगे तो मैं जो 100 रुपये में आपको दे रहा था तो आप उस 100 रुपये में ही कस्टमर को भी बेच पाओगे। अच्छा वो अलग बात है दैट 102 रुपया 105 रुपया आप अपना प्रॉफिट रखोगे, वो मैं कंसर्न नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो चलो होता है, बट हाँ अल्टीमेटली कंज्यूमर को जो मिलना चाहिए था ना वो तो सस्ता मिल जाएगा ना जी, है ना। इससे क्या होगा दैट अभी जो मोनोपोली जो करके रखा था हमारे इंडियन कंपनीज ने, उनका मोनोपोली भी घटेगा, ठीक है, तो उनका प्रॉफिट भी हल्का फुल्का कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली ऐसा काम किया जाता है, क्यों, क्योंकि जिससे कोई भी प्रोडक्ट में इन्फ्लेशन को कंसर्न किया जा सके, और इन्फ्लेशन क्या होता है, जब अगर कोई भी प्रोडक्ट का सप्लाई घटता रहे और डिमांड बढ़ता रहे तो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो है ना लोग ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, समझ रहे हो बात। जैसे अब देखो कोई भी प्रोडक्ट ले लो, जैसे आप ले लो मैगी, राइट, अब कल को सोचो अगर मैगी की कंपनी ने बोल दिया दैट हम लोग जो है एक दिन में मात्र 1000 पैकेट ऑफ मैगी ही बेचेंगे इंडिया में, ठीक है, तो लोगों का तो लाइन लग जाएगा स्टोर के बाहर मैगी का पैकेट खरीदने के लिए, समझ रहे हो बात। तो यही है, तो उसका दाम बढ़ जाएगा ना, तो वही चीज़ है डिमांड सप्लाई में भी सारा जो चीज़ है यह काम करता है, ठीक है। एडिबल ऑयल्स की अगर बात करें इंडिया में तो मोर देन हाफ ऑफ इंडिया का एडिबल ऑयल जो है वो इम्पोर्ट किया जाता है, मतलब 50% से ज़्यादा जो हम लोग पीते हैं ना तेल, मतलब डायरेक्टली तो कोई पानी की तरह तेल नहीं पीते हो, मतलब वही सब्जी वब्जी में बनाने के लिए, तो 50% से ज़्यादा तो हम लोग इम्पोर्ट ही कर रहे हैं बाहर से। इनफैक्ट इंडिया का जो डिपेंडेंस है ना एडिबल ऑयल इम्पोर्ट में, इट इज़ इन द ट्यून ऑफ 65%, जी हाँ 65% अराउंड हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, जिसमें सनफ्लावर जो है ना दैट अकाउंट्स फॉर 14% ऑफ ऑल एडिबल इम्पोर्ट। और सनफ्लावर ऑयल को आपको पता होगा मार पड़ा है जब से रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, इनफैक्ट वो डेटा भी दिया हुआ है दैट इंडिया का इंपोर्ट अगर एडिबल ऑयल सेक्टर में देख लीजिएगा, यूक्रेन से हम लोग 20% एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते थे, वहीं पर रशिया से हम लोग 70% करते थे। इंडिया इंपोर्ट इन पाम ऑयल फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया वाइल सोयाबीन ऑयल कम्स फ्रॉम ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। देखो सनफ्लावर ऑयल की अगर बात करें तो यूक्रेन और रशिया तो है ही, बट वहीं पर अगर पाम ऑयल की बात करें तो मेनली हम इंडोनेशिया और मलेशिया से मंगाते हैं, बट वहीं पर अगर आपको बोला जाए बताओ तो सोयाबीन ऑयल हम कहाँ से मंगाते हैं, तो सोयाबीन ऑयल हम ब्राज़ील और अर्जेंटीना से मंगाते हैं। ना इसको मैं अलग अलग से क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि पता नहीं मेरा इंस्टिंक्ट कहीं ना कहीं बोल रहा है दैट 5 तारीख को जो सिविल सर्विस आपका एग्जाम होने वाला है ना वहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं मुझे ऐसा लग रहा है दैट ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, है ना, 3 स्टेटमेंट दे दे दैट यहाँ बोल दे दैट हाँ सनफ्लावर ऑयल बताओ कहाँ से मंगाते हैं तो यूक्रेन और रशिया दे दे, है ना, उसके बाद पाम ऑयल बता दे ब्राज़ील और अर्जेंटीना, और सोयाबीन ऑयल बता दे आपका
इंडोनेशिया मलेशिया, तो इस टाइप का मैच ऑफ द फॉलोइंग भी दिया जा सकता है, यू नेवर नो, इसलिए बता रहा हूँ यार, कोई बात नहीं पढ़ ले ना, क्या फर्क पड़ता है, आ गया तो क्या, एटलीस्ट हम लोग लिख के तो आएंगे ना. एनीवेज, बट ये तीनों जो ऑयल कैटेगरी है, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल, इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा इंपोर्ट किसका होता है, वो पाम ऑयल का होता है. और पाम ऑयल का इंपोर्ट हम कहाँ से करते हैं, ज़्यादा इंडोनेशिया और मलेशिया से. उसके बाद सोया ऑयल अकाउंट्स फॉर 21%, जिसका हम लोग इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, मेनली ब्राज़ील और अर्जेंटीना, जो कहाँ का कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, ठीक है. वहीं पर सनफ्लावर ऑयल की अगर बात करें तो सनफ्लावर ऑयल रिस्पेक्टिवली कम करते हैं, जो क्या यूक्रेन और रशिया से होता है. एनीवेज, नेक्स्ट द हिंदू से लिया गया, रिगार्डिंग 60% ई वेस्ट रिसाइकलिंग इज लाइकली टू बी डन बाई 2023. जीएस परस्पेक्टिव 3, जीएस 3 से कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन से आप इस टॉपिक को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो. क्या बोला गया है, 2023 तक 60% ई वेस्ट रिसाइकलिंग जो है वह किया जाएगा, राइट. अब ध्यान से देखना, 2023 तक तो 60% बोला गया है, बट वहीं पर 2024 तक बोला गया है इसको 70% अपन कर देंगे, और 2025 तक इसको हम लोग 80% कर देंगे, ठीक है. और ये कहाँ से कहाँ पे बोला गया भाई, किसने बोला है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है क्या? देखो, एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था भाई इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, लास्ट वीक, तो उसी में यह चीज़ें क्लियरली बोली गई हैं, इसीलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आज. चलो पहले तो ई वेस्ट के बारे में पता कर लेते, ई वेस्ट होता क्या है. देखो दोस्तों, आपने मोबाइल यूज़ किया है, मोबाइल ख़राब भी हो जाता है हम लोग का 2-3 साल के बाद, राइट. तो अब वो मोबाइल कोई खरीदेगा भी नहीं 30%, तो वो क्या हो गया, वेस्ट हो जाता है वो, ठीक है. उसको हम लोग बोलते हैं ई वेस्ट, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है. जैसे लैपटॉप का बैटरीज, उसको एक बार यूज़ कर लो ना, कोई काम का नहीं होता, फेंक देता है इंसान, ठीक है, वो क्या हो गया, ई वेस्ट. अगर आपका कोई घर में स्पीकर रहा होगा, स्पीकर अगर खराब हो गया तो उसको फेंक देते हैं, क्या हो गया वो, ई वेस्ट, समझे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. ई वेस्ट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जिसको हम लोग डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, जिसका खत्म हो जाता है लाइफ, या फिर जो ओल्ड हो जाता है, मतलब यू नो दे इंक्लूड देयर कंपोनेंट्स, कंज्यूमेबल पार्ट्स एंड स्पेयर्स एज वेल. मतलब सोचो, उसके कंपोनेंट्स भी अगर हो ना, दे ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ई वेस्ट, ठीक है. इट इज कैटेगराइज अंडू 21 टाइप्स. जी हाँ दोस्तों, दो ब्रॉड कैटेगराइजेशन के अंडर इसको कैटेगराइज किया जाता है. पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, दूसरा है कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. नाउ बेसिकली कानून भी बने हुए हैं हमारे देश में ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए. इनफैक्ट वो है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, जिसको इनैक्ट किया गया था 2017 में. इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे सेटअप किया गया था इसके अंडर, भोपाल, मध्य प्रदेश में, ठीक है. नाउ ई वेस्ट 2016 के रूल्स क्या बोलते हैं, वैसे तो इस रूल्स को बेसिकली फ्रेम आउट किया गया था, नोटिफाई किया गया था भाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है. नाउ ये लेकिन सुपरसीड करती है ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 वाली, ठीक है, क्योंकि 2011 में भी था एक, बट 2016 को रिसेंटली वो नया वाला लॉन्च किया गया था, ठीक है. ओवर 21 प्रोडक्ट्स वेर इंक्लूडेड अंडर द प्रव्यू ऑफ दिस रूल, दैट इज 2016 वाला रूल, है ना, जिसमें 2016 में सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था ये वर्ड, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या भाई, फॉर एग्जाम्पल यह एक कंप्यूटर का, लैपटॉप का आपको दिख रहा है कीपैड, राइट. अब ये कोई तो कंपनी ने, ABCD कंपनी ने कुछ तो लॉन्च किया होगा, ठीक है. अब इस ABC कंपनी को ही बोला जाएगा दैट आप ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट जब ये डिस्कार्ड हो जाए तो आप कंज्यूमर से ये ले लो, ठीक है. मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट को, उन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हीं के ऊपर दारोमदार है दैट आप उस ई वेस्ट को प्रॉपरली कलेक्ट करोगे. इसके लिए आपको अगर अलग अलग रीजन में प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना हो तो आप करो, ठीक है. ऐसा नहीं हो सकता दैट हाँ एक ही जगह में सेटअप होगा. आपको अगर सेपरेट अलग अलग रीजन में करना है तो आप बिल्कुल करो, बट मेक श्योर दैट उनका जो डिस्पोजल होगा इन्वायरमेंट में वो शुड होना चाहिए थ्रू द इन्वायरमेंटली साउंड मैनर, राइट. एंड द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है सेफ्टी प्रोवाइड करना, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट वर्कर्स को प्रोवाइड करना, जिससे जो डिसमेंटलिंग या फिर रिसाइकलिंग ऑपरेशंस हो उस पर प्रॉपर यू नो सेहत का भी ख्याल रखा जाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफकोर्स. इनफैक्ट अर्बन लोकल बॉडीज जिसमें म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, दे हैव बीन असाइंड द ड्यूटी टू कलेक्ट एंड चैनलाइज द ऑर्फन प्रोडक्ट्स, है ना. और ऑफकोर्स they are also having the responsibility that वो लोग authorize करेंगे that who will be the one जो क्या इसको dismantle करेगी, who will be the one जो क्या इसको recycle करेगी, ठीक है. चलो
नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज लिया गया था रिगार्डिंग आउटवर्ड रेमिटेंस ट्रेंड. नाउ ये देखा जा रहा है दैट समय के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 14, फाइनेंशियल ईयर 2015, फाइनेंशियल ईयर 2016 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2022 में अगर आप ग्राफ देख लीजिएगा, ये पैसे जो है ना, ये ग्राफ है जिसमें इंडिया से पैसे बाहर जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटवर्ड रेमिटेंस. तो वही चीज बोला गया दैट आउटवर्ड रेमिटेंसेस जो है अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम वो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है शॉर्ट अप. और अभी अगर देखोगे इट इज एट ऑल टाइम हाई. नाउ इसमें दो जो की टर्म है, ये तो एक है आउटवर्ड रेमिटेंस क्या है, एक है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या है. तो दोनों कीवर्ड को प्रॉपरली हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों. चलो आउटवर्ड रेमिटेंस को चर्चा करने से पहले पहले तो आप जान के रखिए रेमिटेंस क्या होता है. देखो रेमिटेंस क्या होता है ना, ये एक फाइनेंशियल ट्रांसफर होता है जो क्या माइग्रेंट के द्वारा किया जाता है टू या तो फ्रेंड या फिर फैमिली इन दर कम्युनिटीज ऑफ ऑरिजिन. जैसे सोचो इंडिया के केरला से कोई काम करने गया यूएई में, ठीक है, अब वो काम, वो कमा रहा है पैसा, सोचो हर महीना वो 5 लाख रुपया कमा रहा है, तो वो उनका अपना एक्सपेंस 1 ही लाख रुपया हो रहा है, तो वो 4 लाख रुपया घर में भेजने का, ठीक है, तो वो जो यूएई से जो यहाँ पर भेजा जा रहा है या फिर सऊदी से जो यहाँ पर भेजा जा रहा है इंडिया में, ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे रेमिटांस, ठीक है. यह तो हो गया रेमिटांस का डेफिनेशन, है ना. एक होता है आउटवर्ड रेमिटांस. आउटवर्ड रेमिटांस मतलब सोचो इंडिया से आपका बेटा गया है पढ़ने यूएसए में, ठीक है, तो आप उसको पैसे भेजोगे ना, या फिर आपका आप जाना चाहते हो बाहर में कुछ बिजनेस सेटअप या फिर कोई कैपिटल लेकर जाना चाहते हो यहाँ के शेयर मार्केट में लगाने के लिए, ठीक है, तो वही चीज़ आप क्या करोगे, यहाँ से डॉलर उठा के ले जाओगे यूएसए, ठीक है. तो वही चीज़ बोला गया, ट्रांसफर ऑफ फंड्स इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाई अ पर्सन फ्रॉम इंडिया, ठीक है, टू अ बेनिफिशरीज आउटसाइड इंडिया, ठीक है, मतलब इंडिया से बाहर में आप ले जा रहे हो, तो उसको हम लोग कहेंगे आउटवर्ड रेमिटेंस. क्लियर है, ये बेसिक डिफरेंस समझ गए ना. अब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम अगर देख लीजिएगा, ये एक ऐसा स्कीम है जिसके तहत से कुछ कुछ लिमिट्स फिक्स की गए हैं. अब ऐसा नहीं दैट इंडिया से अगर आप सोचो इंडिया में अरबपति हो, खरबपति हो, ठीक है, कल को सोचो टाटाज बिरलाज वो लोग अगर चाहे तो वो लोग तो पूरा इंडिया को खाली कर सकते हैं भाई, इतना पैसा है उनके पास, ठीक है, मैं बोलने की बात बोल रहा हूँ, ठीक है. तो इसीलिए लिमिट भी एक लगा दिया गया, दैट ऐसा नहीं दैट मनमाना जितना भी मन उतना इंडिया से बाहर ले जाओ, नहीं नहीं नहीं, हर एक रेसिडेंशियल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स, अगर आप 18 साल से कम हो, ऐसा हो ही सकता है ना दैट आप बाहर में पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, तो उस केस में जो है आपको मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में $250,000 आप ले जा सकते हो इंडिया से इन द फॉर्म ऑफ करंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है. एंड स्कीम जो है कुछ कुछ लोगों के लिए नहीं अवेलेबल है, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस के लिए जैसे कॉरपोरेशंस, पार्टनरशिप फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट, ठीक है, इन सब के लिए नहीं है. वैसे इसको स्कीम को लॉन्च किया गया था 2004 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा. एंड रिगार्डिंग हाँ 2,50,000 USD जो है ना, वह जैसे यहाँ पे बोला गया ना परमिशेबल अंडर करंट या फिर कैपिटल, दोनों में आप परमिशेबल है. तो सवाल होता है करंट और कैपिटल लेना होता क्या है. बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा है आपने, उसमें हम लोगों ने शायद पढ़ा होगा करंट अकाउंट किसको कहता है, कैपिटल अकाउंट किसको कहता है, राइट. तो अगेन कैपिटल अकाउंट मतलब ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे FDIs, FIIs जो है यूजुअली कैपिटल अकाउंट में हम लोग कंसिडर करते हैं. वहीं पर करंट अकाउंट में एक विजिबल्स होता है, एक नॉन विजिबल. विजिबल मतलब जैसे गुड्स इन ट्रेड्स अगर हम ट्रेड अगर कर रहे हैं तो दैट इज़ विजिबल क्वाइट, बट देर आर फ्यू थिंग्स विच आर इनविजिबल, लाइक सर्विसेज में अगर ट्रेड किया जा रहा हो, गिफ्ट रेमिटांसेस है ना, ये सब चीज़ें अगर की जा रही है, तो ये सब चीज़ जो है वो ओवरऑल करंट अकाउंट में आता है. चलो इतना मैं भीतर में नहीं घुस रहा हूँ यार, क्योंकि मैं आशा कर रहा हूँ दैट आप लोग इकोनॉमी में तो ये सब क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ ही लिए होंगे. अगर नहीं पढ़े होंगे और आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो एनी टाइम, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, आप इन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, एडमिशन्स भी ले सकते हो, ठीक है. सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट दिस थिंग. नाउ कल के MCQs कुछ कुछ हम लोगों ने पूछे थे उसके देख लेते हैं. सबसे पहला था इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट रिसेंटली वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, USA, जापान, चाइना, रशिया, जिसमें USA वॉज द करेक्ट आंसर. दूसरा वाला दूसरे दो स्टेटमेंट दिए गए थे रिगार्डिंग उइगुर मुस्लिम्स, जिसमें दोनों के दोनों सही थे. नेक्स्ट इज आशा वर्कर के रिलेटेड था, लार्जेस्ट वर्कफोर्स जो है वो उत्तर प्रदेश में था. इसका मैंने एक हिंट भी आपको दिया था, जो जितना बड़ा राज्य है उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकता है ना, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही इसका आंसर दिया था. एनीवेज इसमें भी दोनों बिल्कुल सही था, राइट. तो ACC विल बी द करेक्ट फॉर्मेट, जहाँ पर ACC, देखो ACC सीमेंट, सब लोगों ने सही दे दिया. वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. सो ऐसे ही आंसर्स देते रहिए. आज के क्वेश्चंस कुछ कुछ पूछ लेते हैं. जैसे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ मैकेनिज्म मेंशन इन ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल ऑफ 2016. अंडर दिस स्कीम वेरियस प्रोड्यूसर्स मस्ट हैव वन सिंगल
प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट. तो आपको बताना है दैट इनमें से कौन सा करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स अकाउंट फॉर लार्जर शेयर ऑफ इम्पोर्ट्स. बताना है सोया ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, नन ऑफ दीज, इन चारों में से. ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट. बताइए, फॉरेन लोन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट रेमिटांसेस या फिर पोर्टफोलियो रेमिटांसेस. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4 या फिर 1, 3, 4, कौन सा इसमें सही होगा. ठीक है, सो एनी वेज दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास. विल बी मीटिंग नेक्स्ट सेशन. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो गाइस. थैंक यू वेरी मच.